सो गाइस, फाइनली इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया है। अब देखते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन जो मैंने बताई है उस पर वो अभी यस होती है, नो होती है। और सबसे मेन चीज़ क्या हुआ, मैम हिमलता जी चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी और बाहर आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग्स। सो अभी हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए जल्दी, और अभी बज रहे हैं मतलब 7:45 हो रहे हैं, और जल्दी हमें पहुंचना है। और मुझे आज एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए आज मैं जल्दी निकला हूँ, और ताकि हम जल्दी से पहुंच के जल्दी से मैं निकलूँ और फिर उसके बाद जल्दी काम हो, फटाफट से पहुँचते हैं पहले। और आज सिस्टी का स्कूल ऑफ है, तो सिस्टी को नानू नानी के पास छोड़ेंगे बस, फिर उसके बाद सीधा निकले। क्राफ्ट डे, तो इस वाली वॉल पे और ये सामने वाली वॉल पे क्राफ्ट करना है। हमारा क्राफ्ट का काम चल रहा है जोरों शोरों से, इस एक सामने वाली वॉल पे और ये हमारा आर्ट इस पे कंप्लीट हुआ है। और निम्रता जी कुछ कहना चाहेंगी आज के हेक्टिक डे के बारे में? कुछ नहीं, रेस्ट नहीं दे रहे बिल्कुल भी। रेस्ट नहीं मिल रहा, काम करना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपको ना, बहुत बुरी हालत हो रही है। टाइम पर खाना भी दो, टाइम पर नाश्ता भी दो और काम भी करो, टाइम पे डिनर दो। और ये सिमरन, ये भी बहुत चाप बेचारी काम में लगी हुई है। अभी हम निकल चुके हैं जल्दी, आज इंटरव्यू के लिए जाना है ना मुझे एक जगह, तो आज इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया। और सुबह भी जल्दी आए थे ताकि हम टाइमली काम पूरा करके और जब जाएं, और जल्दी से मतलब हमें इस मंथ के एंड होते होते हमें इस स्कूल में जितना भी सारा काम है ख़त्म करना है ऑल ओवर प्रोजेक्ट का। तो फिलहाल पहुँचते हैं, रास्ते में ही हैं, फिर इसके बाद सिस्टी को लेना है। हाँ, सिस्टी को फिर लेके फिर जाएंगे घर। सो गाइस, फाइनली इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया है, अब देखते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन जो मैंने बताई है उस पर वो अभी यस होती है, नो होती है। और सबसे मेन चीज़ क्या हुआ, मैम हिमलता जी चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी और बाहर आ गई। फ़ोटो मंगाई थी, अभी देखता हूँ ये मिला है, ढूंढ के लेके आया हूँ। सो फाइनली गाड़ी का लॉक खोल लिया है, ये ओल्ड वगैरह तो भाई खुल जाती है जुगाड़ से। बताया कब? मैंने तब बताया था
जब आप अंदर थे मैं तब बताया था कि गाड़ी की चाबी गाड़ी में भूल के आ गई है, तब बताया था मैंने। और अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ढंग से नींद पूरी नहीं हो रही और ऐसे ही हो रहा है बस। फिलहाल यहाँ पर इंटरव्यू दे दिया, थोड़ा रिलैक्स हुआ है माइंड, अब चलते हैं घर की तरफ। फिर क्या रिस्पॉन्स होगा यहाँ से कॉल करके बता देंगे जो भी रहेगा, बट अच्छा लगा, मज़ा आया, न्यू एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा सीन हो गया है यहाँ पे जाते ही अंदर इंटरव्यू पे, जैसे वो फिल्मों में बैठे होते ना तीन चार लोग एक साथ, चार एकदम चार लोग बैठे थे, दो फीमेल दो मेल, और मतलब एक चेयर दे दी जाती है आपको सामने बैठने के लिए, तब मैं बैठा। उसके बाद बस बस बिंदास कॉन्फिडेंटली फटाफट से उन्होंने बोल दिया ये आप ठीक है, आपके सामने ये रखा हुआ है बोर्ड, इसको ड्रॉ करो कुछ भी। तो मैं, मेरा तो फेवरेट है पोर्ट्रेट्स, तो मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ किया। उनसे बात करके, उन लोगों से बात करके भी अच्छा लग रहा था, बात करने में मज़ा आ रहा था और इंटरव्यू देने में भी मज़ा आ रहा था। कुछ जो पूछते जा रहे थे मैं आंसर कर रहा था, और उसका पॉजिटिवली आंसर करना और इनक्रेज करना। और जो अभी करंट मैंने काम किया है यहाँ पे, जो वेस्ट मटेरियल से जो पोर्ट्रेट बनाया है वो पोर्ट्रेट भी मैंने दिखाया उनको, उसके लिए भी उन्होंने बोला वाह बहुत अच्छा है, मन में लड्डू बहुत प्राउड फील होता है ना। बाहर एक मैम गई थी, अंदर पहले मैं गया था इंटरव्यू के लिए, फिर उसके बाद एक मैम गई, जब वो आई फिर उसके बाद उन्होंने आके मुझे बोला कि आपने उस बोर्ड पे बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाया है, मैं कहा थैंक यू, उनको पता भी चल गया कि मैं ही बना के आया हूँ अंदर। ट्रैफिक की लाइन, एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस गए, यहाँ है बुरा हाल, निकले कहाँ से, ये पीछे भी लाइन लगी हुई है, कहाँ छुपी हुई है चलो 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 तो अभी 9:15 हो चुके हैं और अभी पहुंचे हैं स्टूडियो पे, और अभी खाएंगे खाना, भूख लग रही है, चेंज करेंगे। व्लॉग एडिट हो चुका है, अपलोड करूंगा, अभी कंफ्यूज हूँ कि अभी अपलोड करूँ या सुबह अपलोड करूँ, क्योंकि अभी फिर ज़्यादा लोग रात को नहीं देखते, फिर वो सुबह से लेके नाइट तक वॉच टाइम काउंट होता है। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 12 और सारे सो चुके हैं, और ये देखो कहाँ कोने में छिपी हुई है ये नींद आ रही है, कल स्कूल जाना है और फिर से वापस से लगना है। और कुछ बताओ, और क्या बताऊँ, गुड नाइट, सब सो जाओ, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इतनी रात को नहीं जागना चाहिए। लेक्चरबाजी शुरू हुई इसकी, बताओ। मुझे क्या लगता है ना, लाइफ में बिंदास फुल्ली जियो, मतलब जब तक जागना है जब तक जागो, जब सोना है जब सो, पर ये जॉब वालों के लिए नहीं है, ये जो फ्रीलांस काम करते हैं उन लोगों के लिए नहीं भाई, टाइम से सो, टाइम से उठो, अपना काम धंधा करो, काम धंधा अच्छे से कमाओ, अपने बीवी बच्चों को पालो, और जिसकी बीवी बच्चे ना हो वो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो। मैंने जो वेस्ट मटेरियल से जो पोर्ट्रेट बनाया था ना, तो वो उसकी मैंने वीडियो एडिट करके आर्ट वाले चैनल पे डाल दी है, राजवीर आर्ट करके आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसको वॉच करें एंड लाइक करें एंड कमेंट शेयर करें कि कैसे वो पोर्ट्रेट आप लोगों को लगा। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए आर्ट वाले चैनल पे भी, अब उस पे भी मैं मेंटेन करूँगा वीडियोस पोस्ट करना, बस यहाँ का काम एक बार ख़त्म हो जाए देन उसके बाद फिर आगे प्लानिंग कर रहा हूँ। और जितने भी लोगों के अब इंस्टाग्राम पे मैसेज पेंडिंग में हैं, तो उन लोगों को भी मैं स्टेप वाइज सबको लेना स्टार्ट करूँगा, वीडियो कॉल के थ्रू काउंसलिंग करूँगा। स्पेशली मैंने इसके लिए कैमरा एक बाय किया है वीडियो कॉल के लिए, क्योंकि वो लैपटॉप में मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, तो उसमें मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट कर सकूँगा, और फ़ोन से मैं अलग मैनेज करूँगा, और देखते हैं कि आगे और कैसे प्लानिंग होती है। काम एक्चुअली माइंड में बहुत सारे हैं, लेकिन बस कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लानिंग सेट हैं माइंड में, लेकिन एक सामने एक सिचुएशन है, अब बस मेरे सामने एक काम है, ये स्कूल में जो मैं काम कर रहा हूँ इसको जैसे तैसे फिनिश करके जल्दी से, और फिर इसके बाद आगे मैं अपने चैनल्स पे 100% फोकस करूँगा। और एक सरप्राइज़ और है न्यू आपके लिए, मैं एक
बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगा वो मेरे माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है। अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो होप गाइस आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया हो, और एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, अब नेक्स्ट वीक में पक्का 101% हम अपनी लव स्टोरी भी पोस्ट करेंगे, और लव स्टोरी मैं अपने व्लॉग्स वाले चैनल पे नहीं पोस्ट करूँगा, मैं राजवीर वाले चैनल पे पोस्ट करूँगा, और उस पर फिर आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप लोग राजवीर वाले चैनल पे मेरे देख सकते हैं मेरी लव स्टोरी। बट अभी नहीं, जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा मैं व्लॉग में आप लोगों को शेयर कर दूँगा कि मैं कब अपनी स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मे बी नेक्स्ट वीकेंड पे। माँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ किस लिए? हाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? बाहर। मैं भी चलूँगी।